वर्किंग सेफली इन कंफाइंड स्पेस, वर्किंग सेफली इन कंफाइंड स्पेस, कंफाइंड स्पेस परमिट टू वर्क रिक्वायर्ड। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू कंफाइंड स्पेस। कंफाइंड स्पेस डेफिनेशन क्या है? एनी एनक्लोज और पार्शियली एनक्लोज स्पेस लोकेटेड आइदर अबव और बिलो ग्राउंड विथ में एक्यूमुलेशन ऑफ हैजार्डस एंड इज नॉट डिजाइंड फॉर कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्युपेंसी। दिस इज एन आयुष स्टैंडर्ड एंड वॉट ओशा स्टैंडर्ड सेज, ओशा स्टैंडर्ड सेज दैट define a confined space as one that has limited or restricted means of entry or exit, is large enough for employees to enter and perform their work, and is not and is not designed for continuous occupancy। तो दोनों भी same बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये जो है कंटिन्यूस 8 घंटे, जैसे नॉर्मल और वर्किंग आवर कितना है, 8 घंटे ड्यूटी है, तो 8 घंटे ड्यूटी में हम काम कंफाइंड स्पेस में कंटिन्यूस, ये ऑक्युपेंसी वाला काम नहीं है, कंटिन्यूस वहाँ पर हम रह के काम नहीं कर सकते, हमको ऑक्सीजन की कमी बेशी होती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है उसमें, तो उसके लिए जो है नॉर्मल ऑक्सीजन कितना है, मालूम नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल कितना रहता है, तो उसके लिए मैंने आपको कोट करके बताया है, ये जो है नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल कितना है 19.52, 21.5 ओशा स्टैंडर्ड है, तो ये सिलेबस में जो है कैसा हमने किया है कि ओशा आयुष को मिला दिया है, तो 19.5 से ओशा आयुष, ठीक है, ओशा क्या बोलता है कि 19.5% से 21.5%, और आयुष क्या बोलता है 21.5% से 23.5 ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल। अगर ऑक्सीजन लेवल इससे बढ़ जाता है, नॉर्मल से कम अगर होता है, कम होता है तो हमको क्या प्रॉब्लम होता है, हम इंसानों को क्या प्रॉब्लम होता है, सफोकेशन होता है, सफोकेशन होता है, क्यों होता है, जैसा सफोकेशन में क्या मतलब है, सफोकेशन सांस लेने में जो है मुश्किल होती है, तो हमको सब्स्टिट्यूट ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं, इस्तावा। इस्तावा क्या है, सेल्फ कंटेन एयर ब्रीथिंग अपैरेटस, ठीक है, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपैरेटस। तो इसमें मेरे इंपॉर्टेंट आपको बताना यही था, ऑक्सीजन लेवल बिटवीन 19.5 टू 23.5, फ्लेमेबल गैसेस 0% ऑफ लोअर, एक्सप्लोजिव लिमिट एलईएल लेस देन 10 फीट 10 ऑफ द एलईएल, लोअर एक्सपोजर लिमिट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO अंडर ppm, ppm क्या है, पार्ट पर मिनट, तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है जो बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस गैस है, इसका फार्मूला क्या है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या है, H2S है, H2S का बात होता है जो है सेपरेट क्लासेस होते हैं इसके लिए भी, और H2S गैस क्या है, ये टॉक्सिक है या फ्लेमेबल है, और ये जहरीली है तो कितनी जहरीली है, फ्लेमेबल है तो कितना फ्लेमेबल है, ये सब जो है आपको डिटेल आ गया है, तो मेरे को यहाँ पर बेसिक जो है यही हम बताना जरूरी था। राहुल आपके लिए खास मैं भेज रहा हूँ ये वीडियो, आप चेक कर लेना, 19.5 to 23.5 ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है, हम इनहेल कितना करते हैं, हम छोड़ते कितना है,
टोटल जो है 12% 14% हम इनहेल करते हैं और छोड़ते कितना है 8% छोड़ते, तो खाते खा जाते कितना है हम लोग 6% ऑक्सीजन हम इनहेल कर लेते हैं, बाकी जो है वो कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड से कन्वर्ट होके वापस जाएगा। तो ठीक है, मेरे को इसमें ये एक इम्पोर्टेंट आपको बताना है, इट्स एन इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन आल्सो, व्हाट इज कंबाइंड स्पेस, सो बोथ डेफिनेशन यू बी रिमेम्बर। खत्म करो।